हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन, लेडीज वेयर। आजादी का बीड़ा उठाया है और ये हमारे जो पीर मुर्शिद हजरत शाह मोहम्मद शकलेन मियां हैं, उनकी सरपरस्ती और उनकी मौजूदगी में हम लोग ये प्रोग्राम अंजाम देंगे। उस वक्त हमारा आज़म था कि कम से कम 11 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह हम लोग मुनक़िद कर सके, ये हमारी कोशिश थी। लेकिन तमाम हमारे जो पीर भाई हैं, सब लोग हम लोग मिलकर हजरत शाह शकलेन अकेडमी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट के जिम्मेदारान मिलकर एक साथ, ना हम लोगों ने कहीं चंदा मांगने गए और ना ये हमारी रिवायत है, लेकिन सब लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके, आपस में पैसे वगैरह जमा करके, जो इखराजात है उसको जमा करके जो प्रोग्राम दिया, और प्रोग्राम जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे करके हम लोग आज 40 जोड़ों के इज्तिमाई निकाह तक के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 जून 2023 बरोज इतवार को अंसार जमात खाना बुनकर लांस में 40 जोड़ों के इज्तिमाई निकाह की तकरीब और इसी के साथ में जश्न शाह शराफत की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीर मुर्शिद हजरत शाह मोहम्मद शकलेन मियां सज्जादा नशीन व खलीफा हजरत शाह शराफत अली मियां बरेली शरीफ की मौजूदगी और उनकी ही सरपरस्ती में एकेडमी जो है इस तकरीब को अंजाम देने वाली है। इस तकरीब में मुंबई, सूरत, भोपाल, झांसी, बरेली और दीगर हिंदुस्तान भर के दीगर मुकामात से तकरीबन 400 मंदूबीन जो है वो इसमें शरीक होने वाले हैं। और 40 जोड़ों के इज्तिमाई निकाह में इन्हें आज अभी हम लोग 5 बजे उन लोगों की यहीं पर मीटिंग रखे हुए हैं, उनके जिम्मेदारों को बुलाकर आज उन लोगों को हम लोग इन्हें शादी का जो जोड़ा है, नौशा का जोड़ा और दुल्हन का जोड़ा आज उन लोगों को दे देंगे। और उसके बाद में उन लोगों को इन्हें फार्म भरने के लिए 11 जून से 1-2 रोज़ पहले उन लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा और बाकी तमाम तैयारियाँ जो हम लोगों ने मुकम्मल कर ली है उसकी तफसील हम लोग बतलाएँगे। दरअसल ये जो प्रोग्राम है, मौजूदा ज़माने में शादियों के नाम के ऊपर जो बेजा रसूम खुराफात, जैज़ की लानत, बेपर्दगी, ढोल बाजे, ताशे तमाशे और ये आम रिवायत का हिस्सा बनकर रह गई है, जबकि सुन्नत नबी के मुताबिक सादगी से शादियों को अंजाम देना चाहिए और यही पैगाम देने के लिए हम अपने पीर मुर्शिद हजरत शाह मोहम्मद शकलेन मियां हुजूर को यहाँ पर बुला रहे हैं। उनके साथ कोई मुकर्रर भी आएगा, वो उच्च शाह शराफत के नाम से जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर वो उसकी तफसील भी बतलाएंगे और सादगी से किस तरीके से और अमली नमूने के तौर पर हम लोग ये जो है प्रोग्राम करके सादगी से करके उसमें कोई इन्हें खुराफात नहीं होगी। लेकिन चूँकि गरीब लड़के लड़कियों का निकाह इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है तो उनको हम लोग अपनी तरफ से ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, बनाम जहेज नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग देने वाले हैं, जहेज की रस्म के खिलाफ में है। लेकिन जब शादी होती है, नया ख़ानदान जब वजूद में आता है तो उनको भी कहीं ना कहीं से ज़रूरत होती है और चूंकि उनके वालदैन गरीब हैं वो उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो उतनी मदद हम लोग उन लोगों की करने वाले हैं और इस तरीके से ये सादगी के साथ ये पूरा प्रोग्राम अंजाम दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जो हमारे शाह शकलेन अकेडमी की जो यूथ विंग है वो आए हुए मेहमानों को उनको उनका इस्तकबाल करना, उनको बुलाना, उनको उनके ठहर इन्हें जो मुकाम पर उनको पहुंचाना है उन वहाँ तक पहुंचाना, फिर जो और मेहमान आएंगे उनकी खातिर तवाज़े जो भी हमसे बन सकेगा, चाय पानी से, शरबत पानी से, जैसी भी रहेगी वो खातिर तवाज़े हमारी यूथ विंग के लोग करेंगे और तमाम लोग पुरजोश तरीके से अव्वल दिन से इसमें भीड़ इन्हें लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम आखिर तक इख्तिताम को पहुँचे। इस मकसद के लिए हम लोगों ने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जश्न शाह शराफत 11 जून 2023 की मुकम्मल तैयारियां हो गई हैं। जैसे कि साविर गौहर साहब ने बताया कि बैरून इलाके से, बैरून गांव से जितने लोग आ रहे हैं, बम्बई से, भुसावल और दिगर जगह से, उन लोगों का इस्तकबाल करना और उनको यहाँ की यंग यूनिट जो है
वो उसका इस्तकबाल करे, उनका इंतज़ाम करे, उनका रहने का, उनको ठहराने का, उनका खाने पीने का। ऐसे इस तरह यहाँ पर जब मुकामी लोगों में सियासी लोगों को भी बुलाया जाएगा, वहाँ प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे किया जाएगा, जिसके अंदर ये बताना ज़रूरी रहेगा कि सादगी से निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, निकाह को आसान करो और उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे पीर मुर्शद हज़रत शाह शकलैन मियां हुजूर उस चीज़ को अंजाम देने के लिए, उसका किरदार अदा करने के लिए मालेगांव में तशरीफ़ लाएंगे। अभी तक जितने जोड़े मुकम्मल होना था वो हो चुके हैं, ये 40 के ऊपर अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर हुआ है। इंशाल्लाह अगले वक्त जो बचे हुए जोड़े रहेंगे, अल्लाह चाहेगा तो अगले साल वापस से प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे और उसको अंजाम मिलेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ऐसी है कि वक्त मुकर्रर जो है 11 तारीख को असर के बाद बुनकर लॉन्च अंसार जमात खाने में रखा गया है। ये बात इसके लिए पहुंचानी ज़रूरी है कि जो शादी के जो लोग आएंगे, जो उनके साथ के लोग आएंगे, उन्हें टाइम मालूम नहीं रहेगा, तो आपके हिसाब से वहाँ पर बात पहुँच जाए। शादी के अंदर सादगी तो बहुत बिल्कुल है और पर्दे का फुल इत्माम है। खास तौर से आप इसमें ये चीज़ ज़रूर लिखना कि कोई भी आदमी औरतों के अंदर और औरत आदमी के अंदर जाने की बिल्कुल ममानत है, इसके अंदर कोई नहीं जा पाएगा। अगर कोई ऐसा आदमी आता भी है तो वो बिल्कुल भी ना है। लड़कों वाले से ये कहा गया है कि आपका जो मेहर की रकम है वो लड़की लड़के आपस में तय करें और जो तय करी हुई रकम है वो आप शादी के पहले मतलब हिजाब कबूल के वक्त वो दे दें। रही बात है, इसके अलावा कोई चीज़ का कोई पैसा लिया भी नहीं जाता है और हमारे में ये सब लेना देना नहीं होता। तो वो चुना है जो लायक के लोग हैं, मुस्तहिक लोग जिसे कहेंगे। हमने बाकायदा भैया फॉर्म बांटे बाद हमारी वेरिफिकेशन टीम गई, वेरिफिकेशन टीम ने सर्वे किया कि ये फैमिली इस लायक की है, जो ये हकदार है उसकी ही बच्ची का निकाल लिया गया है। ऐसे तो हमारे पास बहुत काफी फॉर्म आए थे जिसमें हमने सेलेक्ट करके 40 फॉर्म को निकाला है और दूसरे जितने भी फॉर्म थे हमने कुछ को रिजेक्ट किया या उसे कुछ बता दिया गया कि भाई वो चीज़ मुनासिब में नहीं है, हमने ऐसा करके। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।